बहुत सी वजह है। कोई खास रीजन तो होगा ना। हाँ खास रीजन, वैसे तो रीजन बहुत सारे हैं और सारे खास हैं, लेकिन एक बड़ा रीजन जो है वो इस दुनिया में मुसलमानों की हालत को देखकर है। मुसलमानों की जो हालत है उसके लिए इस्लाम जिम्मेदार नहीं है। तो कौन जिम्मेदार है? हाँ, उसके लिए तो मुसलमान ही जिम्मेदार है। हाँ, कैसे कह सकते हो ऐसा? अगर मुस्लिम इस्लाम पे चलते तो शायद तकलीफ में ना आते। इस्लाम अच्छा, को वो इस्लाम पे इस्लाम अमल ना करने की वजह से ही तकलीफ में है। में क्यों अमल नहीं कर पा रहे, इसके पीछे किसका हाथ है? हाँ, इसके पीछे उनकी अपनी कमजोरी है, ईमान की कमजोरी। ईमान की कमजोरी, उनकी ईमान कमजोर है, इसके पीछे किसका हाँ, हाथ है? इसके पीछे उनके अमाल का ही है हाँ तो या उन, उनकी तरबियत का है। हाँ और उनकी तरबियत ऐसी बनी है, इसके पीछे कौन है? इसके पीछे तो समझ जाओ घर वाले है, माहौल है, समाज है, उनका हाँ, अपना भी किरदार है, सब कुछ शामिल है। और इसके पीछे किसका हाथ है? हाँ, इसके पीछे किसका हाथ है? तीन तीन रीजन होता है, या तो फैमिली, या हाँ तो माहौल, हाँ फैमिली और हाँ, या माहौल, वो खुद। सुनिए, फैमिली और माहौल ऐसा है, इसके पीछे किसका किसका हाथ है? उनका अपना किरदार बोल दो रहा वो खुद भी। इसके अरे ठीक है, वही वही बोल रहा हूँ, मतलब इसके पीछे किसका हाथ है? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि वो खुद भी, अगर आदमी के पता है वो नमाज के ऊपर फर्ज, अगर वो नमाज नहीं पढ़ता तो उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। ठीक है, अच्छा, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। मैंने एक हदीस पढ़ी थी, आपको आवाज आ रही क्या? मेरी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ मैं बोल रही हूँ, मैंने एक हदीस पढ़ी थी, हदीस, हाँ ठीक है। अब उस हदीस में लिखा हुआ था कि अल्लाह ताला सबकी जो किस्मत है वो पहले ही तय कर देते हैं, हाँ और किसी के हाथ में ये नहीं होता कि वो अल्लाह ताला के लिखे हुए किस्मत से कुछ ज्यादा पा ले या उससे कम उसको मिल जाए। वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, क्या अच्छा हाँ करेगा क्या बुरा करेगा, जहन्नमी होगा जन्नती होगा, उसके अमाल अच्छे हाँ होंगे बुरे होंगे, सब अल्लाह ताला ने लोहे महफूज में लिख रखा है बहुत पहले। हाँ तो ये सारी चीजें तो पहले से अल्लाह ने तय कर रखी है, अच्छा, तो आप कैसे कह सकते हो कि वो लोग के अमाल गलत है? हाँ एक हदीस फिर ये भी है कि इंसान खुद की वजह से भी तकलीफ में आ जाता है। जैसे आदमी के अंदर अगर तलब और फिक्र नहीं होगी तो आदमी अल्लाह खुद उस राह पे डाल देता है जिस राह पे वो जाना चाहता है। अगर अल्लाह, मेरे अंदर दिन हाँ की कोई फिक्र नहीं है, हाँ, मैं आजाद रहना चाहता हूँ, तो अल्लाह तो खुद ही उस राह में मुझे डाल देगा। देखो, दीन को अच्छा हमारी हमारी जरूरत नहीं, हमें दीन की जरूरत होती है। ठीक है, अच्छा हाँ, अच्छा अल्लाह को हमारी जरूरत नहीं, हमें अल्लाह की जरूरत है। अच्छा, आपको है, मुझे नहीं है। ये तो समझ अच्छा जाओ हर किसी अच्छा को अपनी मौत के बारे में अच्छा पता ये बताओ कि आपको अल्लाह की जरूरत क्यों चले। हाँ, क्योंकि है? आप उसने मुझे पैदा किया। अब इसका क्या सबूत है कि उसने आपको पैदा किया? अब इंसान रिप्रेजेंट है, ठीक अच्छा है, ये दोबारा पैदा हुआ है। बता, ये बताओ अल्लाह कब पैदा हुआ था? हेलो, हाँ, देखो, ये बोल रही हूँ, हाँ, अल्लाह कब पैदा हुआ था? हाँ अब सूरह इखलास के मुताबिक तो ना वो किसी को पैदा किया डायरेक्टली हाँ जिस्मानी अच्छा, तौर पे, हाँ, हाँ ना वो किसी से पैदा हुआ। ठीक काफी है, सूर्य नॉलेज है आपके, माशाल्लाह, क्या बात है। मुझे एक चीज बताइए, सूर्य क्लास कब पैदा हुआ? इखलास तो कुरान की आयत है, हाँ, हाँ मतलब कुरान कब जो कब नबी पे नाजिल कब, हुई हाँ कब पैदा हुआ कुरान? 1450 साल पहले। हाँ तो जो चीज 1400 साल पहले है वो ये कह हाँ, रही है कि इससे पहले भी कोई चीज थी, तो आपको लगता है नहीं कि ये बातें झूठी देखो, हैं? पैगंबरों का आने का सिलसिला प्रॉफिट मोहम्मद पे खत्म हुआ। ठीक है, हाँ, ये तो आप लोग मानते हो, इसका कोई सबूत नहीं है, और उससे पहले भी तो प्रॉफिट आए, इसका सबूत तो है। कैसे? लेकिन वो लोग तो इस्लामिक थे ही नहीं, इसका भी सबूत है। कैसे हाँ, बताओ कैसे?
ये तो मैंने आपसे पूछा है ना, आपको बताना पड़ेगा। अच्छा कैसे, मैं बताती हूँ। अच्छा पहले ये बताओ कि वो इस्लामिक थे, इसका क्या सबूत है? हाँ, हाँ इस्लाम की बुनियादी उसूल जो है, हाँ, हाँ वो हाँ हर पैगंबरों की सेम थी, अच्छा ईसा शरीयत जो मसीह, होती चलो है। ईसा मसीह में दिखा दो हाँ, इस। ईसा मसीह किसकी बात करते, अगर ईसाई ईसा मसीह की बात करते, उनको खुदा मानते, तो ईसा मसीह ने किसको अपना खुदा माना? उन्होंने यहोवा को माना, हाँ, यहोवा को यहूदियों, माना। हाँ और ये कौन थे? अच्छा, यहोवा उनके खुदा थे, जो यहूदियों के खुदा है। हाँ और उनके फिर कई नाम भी होंगे उन खुदाओं के। हाँ, हाँ अलग अलग खुदा है। अगर नहीं, जैसे इस्लाम में है, अगर आप बात करते हो तो एक ही खुदा है, कई नाम है। हाँ, नहीं तो मैं ये ईसाइयों में भी जैसे नहीं, कि एक मिनट, इस्लाम में क्या है, मेरी बात सुनो। मैं एक मिनट, तुम मेरी अपनी बात कंप्लीट करने दो। हाँ ठीक है करो। इस्लाम में खुदा के 99 नेम है, ठीक है, ठीक ईसाइयों में भी है एक खुदा के कई नाम, है यहूदियों में भी है। खुदा को समझ जो हर धर्म में अलग अलग नाम से पुकारा गया है, यानी खुदा का अच्छा। वजूद था, नहीं इनकार नहीं नहीं है। नहीं नहीं इस्लाम पहली में भी बात, था, इस्लाम में एक पहली बात की, अगर कोई किसी को किसी नाम से पुकारता है इसका मतलब ये नहीं कि उसका वजूद है ना। मुझे मेरी बात तो कंप्लीट करने दो। हाँ कर लो। बाइबल में अल्लाह लफ्ज भी मौजूद है, ठीक है, मानती हो? अल्लाह लफ्ज नहीं मौजूद, एलो लफ्ज मौजूद है। बिगड़ी हुई शक्ल में कह सकते हो। नहीं अल्लाह जो है वो अरबियों का अब जुबान है, देखो, आप ये नहीं कह देखो, सकते कि ये जो अरबी अल्लाह है वो वाला अरबी को या अल्लाह है। हेब्रिक, हेब्रिक नहीं हिब्रू। यहूदी, नहीं, लैंग्वेज का फर्क पड़ जाता है। आप दाऊद बोलो या डेविड बोलो, हर लैंग्वेज में अपना अपना उसमें तब्दीली या हाँ तरमीम रहती है। हाँ जो ठीक है, इस पे कोई इख्तलाफ ही नहीं मेरा। अबरानी, आप अरबी बोलो या अबरानी बोलो, उसमें थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है, ठीक है। अभी आप ठीक खुदा का भी अगर देखो तो बिगड़ी हुई शक्ल में हर हर जबान में अल्लाह लफ्ज मौजूद है। हाँ है। अच्छा ये आपका दावा है, हाँ ये आपका इसके दावा सबूत है। भी है, दावा दावा नहीं, चलो सबूत भी भारतीय है। भारतीय भाषा में दिखाओ अल्लाह का बिगड़ा रूप। भारतीय भाषा में, ठीक हाँ है, मैं आपको सबूत देता हूँ उसका, जितने हाँ चलो भी मैं ये मेरे बोल रही पास थी कि आप दावा कर रहे थे कि ईसा मसीह और इसमें सब समानता है। मैं आपको बताती हूँ ईसा, बुनियादी उसूल। हाँ बुनियादी उसूल, तो जो ईसा मसीह है जीसा, जिसे हम लोग ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ना, हाँ, तो उनकी जो अपनी किताब है उसमें है तीन तरह की चीजों का वो है, इम्पोर्टेंस है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा है ना। तो वहां पे खुदा का जो बेटा है वो माना गया है, किसको? ईसा मसीह को। ईसा ने खुद को वो कहा, ईसाइयों की, ईसा मसीह ने खुद कहा, उसका सबूत है कि मैं खुदा का बेटा हूँ। बिल्कुल अब खुद खुदा का कहा बेटा अगर बिल्कुल। अगर रुको ये रुको ये कहा है, बताइए, रुको एक रुको मिनट नहीं एक नहीं मिनट रुको एक नहीं यहाँ पे रुको। अच्छा ये बताओ हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या थे? मिनट। हाँ, ससुर थे और दोस्त भी थे। हाँ, सहाबी थे है ना। तो दोस्त थे, अब ससुर थे और सहाबी थे। हजरत अबू बकर से जो रिवायतें हैं वो सही है कि गलत है? किस हेलो बेस पे, किस बेस पे? मतलब जो हदीसें हैं जिसकी सनद हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत आयशा, फातिमा से निकलती हैं वो सही हदीसें होती, क्योंकि उनकी सनद बहुत मजबूत है ना, हाँ, ठीक उनके है, सहाबी हैं, तो वो तो झूठ नहीं बोल सकते। वैसे ही नहीं, जो ईसा मसीह के 12 प्रेरित हैं उनसे जो बातें कही गई हैं हाँ, वो गलत ईसा मसीह के लिए नहीं हो सकती, और पूरा का पूरा बाइबल इन्हीं 12 प्रेरितों से, जो उनका न्यू है न्यू अच्छा, टेस्टामेंट है। ये पहले जो असल पहले मेरी बात तो सुन लो, पहले मेरी बात तो टाइम, सुन लो, जो न्यू टेस्टामेंट है ना, जो नए करार हाँ है, उसमें इन्हीं 12 प्रेरितों ने अपनी बातें कही हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जीसस जो है वो ईश्वर के मतलब कि अच्छा, यहोवा के बेटे हैं। तो फिर वो इस्लाम से बिल्कुल अलग है उनका मजहब, आप कैसे कह सकते हो कि ठीक हमारा मजहब उनका एक है? है, नहीं, हाँ अब मुझे आप ये बात पूरी तरीके से साबित करके ये बता सकते हैं कि जो बाइबल आज मौजूद है, आप पहले इस बात को मानते हो कि जो रिवायतें हदीसें कुरान है वो कंटिन्यू एक के बाद एक सहाबी से, फिर ताबईन से, फिर तबे ताबईन से होते हुए हमारे तक आई?
हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। जो चीज नबी से निकली वो बाद में सहाबा के पास आई, सहाबा के बाद फिर ताबईन, फिर उसके बाद तबे ताबईन, उसके बाद से सिलसिला चलता रहा आज तक, ठीक है। हाँ, हाँ बिल्कुल ईसाइयों के पास जो रिवायतें मौजूद है वो क्या कंटिन्यू हमारे पास उसी सिलसिले से आती गई है या देखो नहीं? कुरान तो मेरी बात सुनिए, कुरान जो है ना वो किसी सिलसिले से नहीं है, वो सीधा नबी के पास आई और सीधा लोगों ने इकट्ठा किया था। नहीं, इकट्ठा किया, लेकिन सहाबा के अरे बाद तो ताबईन के बाद कुरान में में सनद तबे नहीं ताब होती, आपको बताऊं मैं, सनद नहीं, मैं कुरान में हदीस की सनद बात कर नहीं रहा हूँ, होती है ना। मैं कुरान में सनद नहीं, और जो हदीस में है। बाइबल है वो हदीस नहीं है, वो किताब है, उसमें सनद नहीं होती। नहीं, हाँ तो आप अरे गलत मेरी बात गलत आप सुनो, गलत सोच रहे हो। आप ना जैसे मैं पहले, कुरान, जैसे आपके लिए कुरान है वैसे ईसाइयों के लिए बाइबल है। अरे यार मेरी पूरे बात तो सुन लो। नहीं यहाँ पे आपको टोकना जरूरी है ना, क्योंकि आप जो ना दिमाग यहाँ ये लगा रहे हो जैसे कि आपके लिए हदीस है वैसे आप नहीं मान रहे हो कि देखो, उनके लिए कुरान बाइबल है। नहीं, बाइबल बाइबल हदीस नहीं है, बाइबल उनकी एक मजहबी मिनट, किताब मुझे है। देखो, अगर हाँ बहस करने तो कोई नतीजा नहीं होता, ठीक है। अरे हजरत तो सिर्फ बात आप यहाँ ही बोलोगे क्या, सुन, मुझे बोलने नहीं दोगे आप? अरे बात तो सुन, मेरी बात कंप्लीट होने दोगे? हाँ चल बोलो बोलो हाँ, बोलो। मैंने, हाँ हाँ मैंने जो बोलिए। कुरान है या हदीस है, ठीक है, हाँ, हाँ हाँ वो कंटिन्यू नबी के बाद से भी सहाबा के हाथ में आई, सहाबा के बाद से ताबईन, तबे ताबईन के हाथ हाथों से होते हुए कंटिन्यू हमारे हाथों में आई है वो चीज हमारे सामने। बात, अच्छा ये बात हकीकत है यहाँ ना, पे एक चीज बोलती हूँ घूमू कि कितना ले कम जो लेगा, जो कुरान है क्या चलो उसमें दूसरे लोगों का भी अपना हिस्सा अभी है? यार, आप जमा हेलो। किया गया है और हाँ इसमें किसी को कोई शक नहीं है, हाँ और जो कुरान उस चलिए वक्त था वही चलिए कुरान आज चलिए भी मौजूद है, ठीक है, वो जो किताबें ऐसे आई बदल हैं, के साथ तो नहीं है। अब मेरी बात सुनिए, मेरा एक सवाल है, जो मेरा सवाल तो वो तो रह गया ना, मेरी बात तो सुनिए, उसके बाद आप बोलिएगा। मैं ये बोल रही हूँ, आवाज आ रही? हाँ हाँ हम ये बोल रहे हैं आपसे कि कुरान जो है वो टोटल के टोटल बोली गई है मोहम्मद की तरफ से, बात सही है? हाँ अब हाँ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीजें बोली हैं, लोगों ने कहा भाई ये अल्लाह की तरफ से है ना। हाँ अब नबी मोहम्मद ने लोगों को उल्लू बनाया कि झांसा दिया, ये तो वही जाने है ना। हम लोगों ने यकीन किया कि वो अल्लाह की तरफ से है, और हदीसे जो है वो मोहम्मद के करनी पर है कि भाई मैंने जो किया है वो हदीस बन गई है ना, उनकी सुन्नत बन गई देखो, जो उन्होंने कहा लिखा, हाँ, और किया। जो उन्होंने किया है, हाँ, कहा है या किया है, रोका है या मना किया या कहने हुक्म दिया है, हाँ, हाँ ये सब हदीसों में आता है। ठीक आप है। हदीस कह लो या सुन्नत कह लो, तरीका। नहीं नहीं दोनों अलग होता है, हदीस और सुन्नत अलग है। सुन्नत, आप एक हदीस सुनोगे, अगर हाँ एक हदीस में है कि ये फजर से पहले की दो सुन्नतें हैं, ठीक है, तो आप उसे हदीस भी बोलोगे और सुन्नत भी बोलोगे। जब तक वो हदीस बयान नहीं होगी, वो सुन्नत जाहिर नहीं होगी, तो आप उसे एक ही जुमले में शुमार कर सकते हो। यह अंतर है कि देखो सुन्नत क्या होती है, सुन्नत वो काम होती है जिसे नबी मोहम्मद ने किया हो, कहा हो, या अगर कोई कर रहा हो तो उसको मना नहीं किया हो उनके नजरिए से, तो वो चीजें सुन्नत हो जाती है। और सुन्नत जो है वो सहाबी की भी होती है और अहले बैत की भी सुन्नत होती है और नबी की भी सुन्नत होती है, आपकी भी सुन्नत हो सकती है ना। लेकिन हदीसें क्या होती हैं, जो नबी मोहम्मद ने बोला है कुछ करने के लिए है ना, वो कुछ करते हैं, उसको आपको मना कर दे कि भाई मैं काम कर रहा हूँ लेकिन आप लोग मत करना, तो वो सुन्नत नहीं है। हदीसें चीज सिर्फ वो चीजें हैं जो ये इंडिकेट करती हैं कि नबी मोहम्मद ने क्या बोला, क्या किया, क्या या जो भी चीजें हैं। सुन्नत वो चीजें हैं जो नबी मोहम्मद ने किया, बोला, कहा हो और दूसरों को मना ना किया हो। हाँ ये चीजें होती हैं। अब मैं अपनी बात पर आ जाऊं, देखिए हाँ अपनी बात पे आ जाइए। अभी जो हदीस या कुरान, हाँ, मिलकर के सिलसिले वार हम तक पहुंची है, कुरान आपकी आवाज जो है और वो हदीस। हो रही है, पता नहीं आपने क्या कर लिया। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कुरान
और हदीस हाँ कंटिन्यू तरतीब बार हम तक पहुंची। ठीक है, तो क्या इसी तरीके से जो बाइबल है हाँ वो भी क्या एक के बाद एक कंटिन्यू पहुंची? बिल्कुल हाँ, इसके सबूत आप जाइए किसी भी जो ईसाई है उससे मांगिए, इसका सबूत वो देंगे जो ईसा मसीह के प्रेरित है। सुनिए, अरे हजरत सुनिए मेरी बात, जो ईसा मसीह के 12 प्रेरित हैं। आप बोलते हो मुझे बोलने देते, जब आप बोलते मैं सुनती हूँ, जब मैं बोलते आप बोलते नहीं, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ। देखो नहीं, एक जुमला मुझे बोलने दो। अरे अभी अजान हो रही है, मैं ये कह रहा हूँ मैं कोई आलिम नहीं हूँ, बस थोड़ी बहुत जानकारी मैं भी रखता हूँ। अरे तो कौन यहाँ पे आया, यहाँ पे तो आलिम भी पूरे आलिम नहीं होते, उनके भी हाथ पाँव कांप जाते हैं। हेलो हाँ सुन रहा हूँ मैं। हाँ तो मैं ये बोल रही हूँ कि हाँ मैं ये बोल रही थी कि जो ईसा मसीह के जो प्रेरित है 12, जिसको आप सहाबी बोल सकते हो, उन्होंने ईसा मसीह की बातें सुनी और लिखी, और उसमें स्पष्ट है हर तरह के जो उनके वो हैं प्रेरित थे, उन्होंने एक ही बात कही कि ईसा मसीह ने खुद को ईश्वर यानी कि अल्लाह, वो अल्लाह बोलती यहोवा का पुत्र माना है। हाँ, अब उसे यहोवा कहो या अल्लाह कहो हाँ, नहीं, का ये मुसलमानों का अपना कीदा है कि वो 1400 साल पहले पैदा हुए अल्लाह को 2000 साल पहले पैदा हुए यहोवा के साथ जोड़ते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अच्छा फिर आदम का क्या करोगे? आदम तो फेक स्टोरी है। ऐसा वो कैसे, जबकि आदम का लफ्ज समझ जाओ हर मजहबी किताब में मौजूद है। कैसे? सारी लोगों में एडम कह सकते हैं। हाँ तो वो स्टोरी तो देखिए, ये जो स्टोरी है आदम वाली, असल में यहूदियों की भी स्टोरी नहीं है, ये जो स्टोरी है वो जो मौजूद है, ये जो राष्ट्रन वालों की स्टोरी है जिसको यहूदियों ने चुराया। यहूदी की स्टोरी किसने चुराया? ईसाइयों ने। ईसाइयों की स्टोरी किसने चुराई? मोहम्मद वालों ने, यानी मोहम्मद ने चुराया। और असल में अगर हम लोग देखें सही तरीके से, तो ये जो ये आदम है और हुआ है, ये साबित ही नहीं होते दुनिया में, इनका एग्जिस्टेंस ही साबित नहीं होता। तो ये क्या बोल रहे हो? क्या साइंस ने आज तक ये साबित करके हमें दिखा दिया है कि हम इंसानों में जो डीएनए मौजूद है वो भी एक इंसान का है? क्या बोल रहे हो? हम आज जो दुनिया में 7-8 अरब लोग है ऊपर जाके कभी भी 4-8-10 हजार साल पहले एक इंसान से मिलता है, या हमारे अंदर जो नहीं, नहीं एक इंसान से, एक इंसान से बिल्कुल नहीं मिलता। जो कहता है वो उल्लू है, मैं बताती हूँ। मैं इसको बता, नहीं साइंस नहीं कहता है तो ऐसा, मैं भी जीव विज्ञान की विद्यार्थी हूँ, मैं बताती हूँ। अगर कोई, मैं अलीगढ़ से हूँ, अलीगढ़ जी जी। तो मैं ये बोल रही थी कि जैसे कि मान लीजिए कि आदम और हुआ की स्टोरी सच्ची है ना, तो उनके जो बच्चे होंगे, उन्होंने आपस में निकाह किया था, शादी किया था, फिर उनके बच्चे ने आपस में निकाह किया होगा, तो इस तरह से दुनिया बनी होती तो आज इंसानियत खत्म हो चुकी होती। क्योंकि ऐसे में जो जेनेटिक सिंड्रोम होते हैं, जेनेटिक डिजीज होती है, वो जो अगली पीढ़ी है उसको खत्म कर देती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे विकार होते हैं। तो ये मतलब कहानियों में तो हाँ मान सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको फैक्टली देखें, फैक्ट के साथ देखें, तो ये बातें बिल्कुल सही नहीं हो सकती, एकदम झूठी बात है। हाँ, और दूसरी बात ये कि स्टोरी ऐसी घड़ी गई है कि जिसको इंसानी जो सोच है वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि आदम जो है वो मिट्टी से बना था, और कोई भी जीव जंतु मिट्टी से नहीं बना, और आदम को मिट्टी से बना दिया और हव्वा को उसके पसली से बना दिया, ये भी एक झूठ है। पसली से औरत कैसे बन सकती है ना? तो ये सारी बातें बनाया खुदा ने, इसलिए तो कोई ठीक नामुमकिन नहीं है।
नहीं, अगर ऐसी बात है, मैं एक चीज कहती हूँ, अगर अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है तो उसने बाप बेटी को क्यों एक दूसरे के साथ जो है वो मतलब शादी करवा दी, उनका निकाह करवा दिया। अल्लाह के पास इतना तो दिमाग होना चाहिए कि भाई उसने जिस आदम को घड़ा है उसका डीएनए उसके अंदर से निकलने वाली जो बेटी होगी हव्वा, उसके अंदर भी वही डीएनए होगी, तो दोनों तो बाप बेटी हो जाएंगे। ये इतना दिमाग तो होना चाहिए अल्लाह का कि अल्लाह ने जीव विज्ञान नहीं पढ़ा था क्या? हाँ बोलते रहिए। हाँ, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर कोई अल्लाह है तो मेरे हिसाब से वो अल्लाह बहुत समझदार होना चाहिए, बहुत बुद्धिमान, उसका दिमाग और उसका जो तार्किकता और विवेक जिसे कहते हैं वो बहुत ऊंचा होना चाहिए। तो वो आदम और हव्वा दोनों को ही मिट्टी से बनाता, अगर बनाना था तो। लेकिन यहीं पर इसकी स्टोरी की जो हवा निकल जाती है, जब लोग कहते हैं कि आदम से हव्वा बनाया गया, जब आदम से हव्वा बनाया गया तो आदम का डीएनए हव्वा में चला गया जिससे वो उसकी बेटी बन गई, और उसके बाद जो औलादे होंगी वो सारे विकार वाली पैदा होंगी। तो इसे एकदम स्पष्ट है कि ये कहानी झूठी है, सच्ची हो ही नहीं सकती। और दूसरी बात, हमें आदम मतलब इंसानी जो वो है बॉडी है, उससे पहले जब हम जो देखते हैं इंसानों की जो मौजूदगी है वो हमें 4 लाख साल तक दिखाई देती है, और हमें करोड़ों अरबों सालों पहले, मतलब करोड़ों सालों पहले जो डायनासोर्स थे, मच्छर थे, उनके भी हमें फॉसिल्स मिलते हैं। लेकिन आदम के और उसके खानदान वालों के या किसी भी ऐसे के जो उस वक्त रहा होगा उसके फॉसिल नहीं मिलते, है ना? और एक और हदीस है जिसमें कहा गया है कि आदम 30 फुट का था और उसके जो बेटे बेटियां थी वो भी ऐसे ही थी, 30 फुट, 30 हाथ, 30 हाथ, और वो धीरे धीरे छोटे होते गए समय के साथ साथ। तो इस हिसाब से हमारे पास आदम के जैसे लंबे लंबे इंसानी फॉसिल्स होने चाहिए, लेकिन जो हमारे पास 4 लाख साल पहले के फॉसिल्स हैं, उसके बाद जो हमें फॉसिल मिलते नहीं, लेकिन जो फॉसिल्स मिलते हैं वो 3 फुट, सबसे जो वो है बढ़िया वो ऊंचाई वाले, वो 3 फुट के हैं। फिर इधर जो वो इंसान की ऊंचाई बढ़ रही है, उससे पहले तो इंसान की ऊंचाई नहीं थी। तो ये स्टोरी जो है वो किताबों में सही है लेकिन वास्तविकता में सारी फेक है। अकल तस्लीम नहीं करती। अकल नहीं, अकल माने जा ना माने, वो चीज तो सबूत में ही नहीं हमारे पास। अकल की बात तो दूर है, वो चीज है ही नहीं दुनिया में। आपका बड़ा रीजन क्या है इस्लाम छोड़ने का? मैं बोली ना कि बहुत से रीजन है, इसमें अल्लाह एक रीजन है, मोहम्मद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करेक्टर एक सबसे बड़ा रीजन है, नबी पाक का जो कैरेक्टर है वो है ना, और बाकी जो आदम की स्टोरी, हवा की स्टोरी, पहाड़ को, चांद को टुकड़े कर देने वाली स्टोरी, वो क्या है, सात आसमान में जाने वाला जो सब्बे बारात की स्टोरी है ना, ये सारी जो स्टोरी है ये सब। तो आपकी नजर में दुनिया में जितने भी धर्म है वो समझ लो सब फेक है। बिल्कुल बिल्कुल, और वो तो फेक है लेकिन घातक इस्लाम है। ये बोल रही हूँ कि वो उन सब मजहब को तो मैं मानती नहीं, लेकिन अगर मैं ये देखूँ कि सबसे डेंजरस रिलीजन कौन है तो वो इस्लाम है। हाँ, अब इसके भी बहुत से हदीसों से साबित हो जाता है कि भाई क्यों इंसानियत के लिए और दूसरे मजहब के लिए भी इस्लाम खतरा है। मैं जी, आप किस बिना पे इस्लाम को फॉलो करते हो? अब हकीकत तो यही है, मेरी फैमिली मुस्लिम तो मैं मुस्लिम, ये हकीकत है। अब मेरा जहाँ तक ईमान है मैं उस बेस पे इस्लाम को फॉलो करता हूँ। अब वो चीज मेरे जहन में या दिल और दिमाग में आया ना आए फॉलो करनी है। अब मतलब मैंने जन्नत जहन्नम नहीं देखा, ठीक है, लेकिन मेरा ईमान है, मुझे उसको मानना है। मतलब हाँ खुदा को भी नहीं देखा, नबी को भी नहीं देखा, लेकिन मुझे उस चीज को मानना है, ईमान है। और हाँ ईमान तो समझ जाओ इसी चीज का नाम नाम भी है, हाँ जो गैर में हो फिर भी आपको उस पर यकीन हो, हाँ ठीक है। हकीकत हाँ तो देखो, यही है, ये खुदा मजहब, ना। ये जो है वो मजहब है, जो कहता है, मजहब क्या कहता है कि जो नहीं है, जिसके सबूत नहीं है फिर भी उसको मानो, ये मजहब है।
और साइंस समाज का मेरा ईमान है। और साइंस क्या कहते हैं? साइंस कहता है मानो नहीं जानो। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मैं मानता हूँ, उस दिन आप उसको नहीं जान सकते, क्योंकि आपने पहले से ही मान लिया तो उसको जानने का रास्ता बंद है। लेकिन जिस दिन तक आप उसको नहीं जानोगे तब तक क्या आप मान नहीं सकते हो। जैसे कि अगर हम लोग पहले ही मान लेते कि जो सूरज है वो पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमती है, जैसे कि हमें दिखाई देता है आंखों से, कोई बंदा बोल दे कि पृथ्वी घूमती है, कोई नहीं बोल सकता। क्यों? हमें सूरज पूर्व से पश्चिम की ओर जाता हुआ दिखता है। तो अगर हम लोग हमारे जो हाँ तो वैज्ञानिक जो है वो मान के बैठ जाते कि नहीं भैया सूरज जो है वो ऐसा घूमता है, तो फिर हम लोग तो हो गए होते सक्सेस। लेकिन नहीं, हम लोगों ने खोज की कि भाई घूमता है तो क्यों घूमता है। और जब हम लोगों ने बाहर स्पेस पे गए तो हम लोगों ने देखा कि सूरज नहीं घूमता, पृथ्वी ही घूमती है। तो अगर हम लोग मान के बैठते तो हम लोग सच तक नहीं पहुंचते। इसलिए मानना नहीं, सूरज ब्लैक होल की चक्की और घूमता है। हर गैलेक्सी के जितने भी वो होते हैं वो अपने अपने उसमें घूमते हैं, उनके जो ब्लैक होल होते हैं बड़ा वाला मैस वाला, है ना, हर गैलेक्सी ऐसा करता है।